ये क्रीमी व्हाइट सॉस मैक्रोनी खाने के बाद अब बाकी हर किस्म की मैक्रोनी भूल जाएंगे। सबसे पहले हम अपनी मैक्रोनी बॉईल करेंगे, लहसुन को कूटेंगे, काली मिर्चों को कूटेंगे और साइड पर रख लेंगे। उसके बाद अपने चिकन को फ्राई करने के लिए हम ऑयल में लहसुन डालेंगे कुटा हुआ, और उसमें हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हम फ्राई करेंगे जब तक उसका कलर नहीं चेंज हो जाता, और उसके अंदर हम सॉस बनाएंगे जो हम बनाएंगे हॉट सॉस और सोया सॉस ऐड करके। सोया सॉस की क्वांटिटी हॉट सॉस से आधी होगी जो हम ऐड करेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम चिकन को पकने देंगे। जब चिकन पक जाएगा तो इसको हम साइड पर रख लेंगे। फिर हम अपनी वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे, इसको हम बटर में फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने अनियंस फ्राई किए, उसके बाद मैंने इसमें कैरेट्स और कैप्सिकम जो कि शिमला मिर्च है वो मैंने ऐड कर दी। अच्छी तरह इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें हम चिकन ऐड कर लेंगे जो हमने साइड पर रखा था। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसमें अपना बॉइल्ड पास्ता जो है वो ऐड कर देंगे, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सही से मिक्स करने के बाद हम अपने व्हाइट सॉस बनाने की तैयारी करेंगे। व्हाइट सॉस के लिए हम 3 टेबलस्पून बटर लेंगे, जिसमें हम अपनी कुटी हुई लहसुन डालेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे, और इसी में हम 3 टेबलस्पून ऑल पर्पज फ्लावर या मैदा हम डाल देंगे। इसको हम मिक्स करते रहेंगे जब तक एक पेस्ट नहीं बन जाती, और इसमें हम अपनी कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। ये हमारी व्हाइट सॉस की बेस बन गई है, और इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे चम्मच को साथ साथ हिलाते हुए, और हम सॉस बना देंगे। इसको हम तेज आग पे उबलने देंगे, और जब ये उबलेगी तो ये थिक हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी मैकरोनी के ऊपर इसको आराम से सारी डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपकी क्रीमी और फ्लेवरफुल व्हाइट सॉस मैकरोनी तैयार है।